नमस्कार दोस्तों, THK टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे सबसे पहले हमें डेट डालनी होगी। जिस दिन आप स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट दे रहे हो वो डेट यहां पर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना IDFC बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, कस्टमर नेम यानी अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपके अकाउंट में नाम है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे है, बी हेयर बाय रिक्वेस्ट एंड ऑथराइज यू टू काइंडली मेक अ स्टॉप पेमेंट फॉर द फॉलोइंग चेक इशूड बाई मी, यानी आपको जिस चेक का पेमेंट स्टॉप कराना है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। आप एक चेक का भी करा सकते हो, दो चेक का भी करा सकते हो, तीन चेक का भी करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना चेक नंबर डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों चेक की डेट, जिस दिन आपने चेक की डेट डाली होगी इशू करते समय वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। चेक का अमाउंट, जितने अमाउंट का चेक आपने इशू किया है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इशू टू, आपने वो चेक किसके नाम पे इशू किया है वो यहाँ पे भर देंगे। ऐसे ही आपका दूसरा चेक है तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल सेम भर देंगे। दोस्तों ये अब है एक ऑप्शन यहाँ पे चेक सीरीज, अगर आपकी चेक बुक ही खो जाती है पूरी तो यहाँ पे आप पहला चेक जो भी है स्टार्ट होगा उस बुक का वहां से एंड का चेक डाल देंगे और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये आपका पूरा बुक ही स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे है दोस्तों रीजन फॉर स्टॉप पेमेंट, यानी लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट और चेकबुक, तो यहाँ पे लॉस्ट पे आप टिक कर देंगे, आपका खो गया है तो आप स्टॉप कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन है एंड सिग्नेचर, आप डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके खाते में साइन है वो यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद अपना खाते में जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म भर के तैयार हो चुका है, इसे आप बैंक में दे दीजिएगा। बैंक वाले यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे और यहाँ पे डिटेल डाल के अपनी और यहाँ पे सील लगा के साइन करके एक एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, आप इसे बैंक में सबमिट कर दीजिएगा, आपका चेक स्टॉप हो जाएगा, वो पे नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब के लिए जय हिंद जय भारत।